आधार के एड्रेस या फोन नंबर में अब घर बैठे करवाएं बदलाव, ये ऐप करेगा आपकी मदद। आधार कार्ड की आवश्यकता अब हर जगह होती है, ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आता है। ऐसे में हर समय आधार का साथ होना बेहद जरूरी है और इसके लिए आप एम आधार ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक सरकारी ऐप है और एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस ऐप को UIADI द्वारा डेवलप किया गया है और इसमें आप अपने आधार कार्ड की डिटेल सेव करने के अलावा आधार को अपडेट भी कर सकते हैं। यदि आप आधार में अपना पता या फोन नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल एम आधार ऐप का उपयोग करके आप सेकंड्स में ये बदलाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं एम आधार का उपयोग घर बैठे कैसे करें, अपने पते और फोन नंबर में बदलाव कैसे लाएं, एम आधार का ऐसे करें इस्तेमाल। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में एम आधार ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है। एम आधार ऐप डाउनलोड होने के बाद इसे इंस्टॉल करें और प्रोसेस पूरा होने पर ओपन करें। इसके बाद स्मार्टफोन की स्क्रीन पर वेलकम टू एम आधार दिखाई देगा। यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उसे एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर टैप कर दें। आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर माय आधार पर क्लिक करें। इसके बाद ऐप में आपका आधार रजिस्टर हो जाएगा और आपको 4 अंकों का पिन एंटर करना होगा। पिन कंफर्म करने के बाद आधार नंबर मांगा जाएगा, फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वहां सबसे ऊपर आपका आधार कार्ड और कुछ विकल्प दिखाई देंगे। एम आधार में एड्रेस अपडेट करने का प्रोसेस। एड्रेस अपडेट करने के लिए ऐप में सबसे नीचे दिए गए 4 विकल्प सर्विसेज, माय आधार एनरोलमेंट सेंटर, मोर में से सर्विसेज पर क्लिक करें। जहां नीचे दिए गए विकल्पों में से अपडेट एड्रेस ऑनलाइन पर टैप करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद सिक्योरिटी कैप्चा डालें और नीचे दिए गए रिक्वेस्ट OTP पर टैप कर दें। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आए OTP को एंटर करें और वेरीफाई पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना एड्रेस कैसे अपडेट करना है, जिसके लिए वाया एड्रेस प्रूफ और वाया सीक्रेट कोड का विकल्प मिलेगा। इसमें से आप वाया एड्रेस प्रूफ पर टैप कर दें, फिर अपनी एड्रेस डिटेल भरें और इसका प्रीव्यू देख लें कि कहीं कोई गलती ना हुई हो। फिर आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा, जिसे स्कैन करके सबमिट करें। इसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दें। बस कुछ दिनों में आपका एड्रेस अपडेट होकर नया आधार कार्ड आ जाएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।